हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी जी। तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पर कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी इन कुत्ते के बच्चों सूद माफियाज के खिलाफ मैं वीडियो अपलोड करूँ, आप बहन भाइयों तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों, अगेन मैं आप सभी की दुआओं का तलबगार हूँ। आप सभी की मुझे बहुत सारी दुआएं चाहिए। वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ मैं एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जी कि आज की वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। भरपूर दिल से रिक्वेस्ट कर रहा है आपका भाई, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, आज सुबह 6 बजे से ला के सुबह 11 बजे तक मेरे जीमेल अकाउंट के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 3 हैकर्स अटैक किए गए हैं, और अटैक भी इस किस्म के थे, इस कदर शिद्दत के अटैक किए गए हैं कि मुझे पता है या मेरे अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, जिस तरीके से मैंने अपने चैनल को कवर किया है, मैंने खुद को कवर किया है, और इन कुत्ती माँ के बच्चों से मैंने अपने चैनल को और खुद को महफूज किया है, इनके साथ मेरी दुश्मनी क्या, अभी देख लें, सुन लें। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, जिन माफियाज की हम करोड़ों रुपए की रिकवरीज को स्टॉप करवा रहे हैं, इन कुत्ती माँ के बच्चों को जो ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों को अपनी बाजियों का रिश्ता पेश कर रहे हैं, इन बगैरत के बच्चों का जो ये स्कीमिंग है, ये जो तरीका वारदात है, हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। पहले तो हमें जान से मार देने के थ्रेड मिले, हमने उनको इस पर लिख दिया, उसके बाद हमें बहुत सी ऑफरें आई, जनाब हमारे साथ मिलके काम करें, आप हमारी एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है, आपको ये दुनिया क्या देगी, आपको ये अवाम क्या दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही, हम आपको पर मंथ सैलरी देते हैं, यूट्यूब से भी कमाएं, हमसे भी लें। अल्लाह की कसम, ये रियलिटी बयां कर रहा हूँ मैं। मैंने आज तक एक ही मौक़िफ़ रखा कि मैं अपनी माँ की दुआओं के सदके आज मैं जहाँ पर भी पहुँचूँ, मैं अपनी माँ की दुआओं के सदके पहुँचूँ। और मेरी वालदा ने मुझे शुरू दिन से एक ही चीज़ समझाई थी कि बेटा, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है तो किसी भी किस्म का कोई भी आपने लालच रख के काम नहीं करना। अगर बेलोस तरीके से कर सकते हो तो ये काम कर लो, अगर कोई लालच रखना है आज ही ये काम नहीं करो। और शुरू दिन से लेके आज तक कोई बंदा एक टका साबित कर दे, मैं ऑन द रिकॉर्ड हलफन बयां करता हूँ, हमने लोगों की करोड़ों रुपये की जान छुड़वा दी है, कोई बंदा साबित करे कि मंजर भाई ने किसी से 1 रुपया भी लिया। यहाँ तक मेरे बहन भाइयों ने अपना काम होने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ तक ऑफर की, मंजर भाई ये 1000 रुपया ले लें, 2000 ले लें, ठीक है, आप ये आपका हक बनता है, आपने हमारे लिए मेहनत की है। मैंने उनको आगे से क्या कहा, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह के घर में दे दें, मुझे एक टका भी नहीं चाहिए आप लोगों का। इन माफियाज ने हर तरीके की कोशिश करके देख ली, लेकिन इनको कोई खासी कामयाबी नहीं मिली। अल्लाह पाक का शुक्र है, इन्होंने 3 अटैक किए, मेरे परवरदिगार ने मेरी माओ की दुआओं के सदके, आप सभी की दुआओं के सदके, परवरदिगार ने मेरे ऊपर बड़ी ख़ास आज रहमत की है कि ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा चैनल भी चल रहा है और मैं अगेन आप सभी के बीच में हूँ, ठीक है। अगर आपको ये मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं ना हो, कुछ ऐसे भी अनासर होते हैं जिनको ये झूठ लगता है, यार अपना फेम लैन लियो, यार फलां करने लिए टीम करनी है, झूठ बोली जाता है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, विद टाइम विद डेट स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप सभी चेक कर लें। सिर्फ आपकी दुआओं के सदके अल्लाह पाक ने आज मुझे महफूज किया है। दोस्तों देखें, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, जितनी फेंटी इन कुत्ती माँ के बच्चों को मैंने लगाई है ना, कोई बंदा साबित कर दे यूट्यूब के ऊपर बैठ के, किसी ने इतनी फेंटी इनको लगाई हो। और मैंने हर चीज़ का डर खौफ ख़त्म करके कफन सर पर बांध के निकला हूँ, और आखिरी दम तक यार क्या हो जाएगा, ये चैनल बंद करवा दोगे, मुझे इतना अपने काम पे, मुझे अपने बहन भाइयों पे इतना इतमाद है, 2 दिन की खेड़ है ये 6000 सब्सक्राइबर, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है, इस बात को याद रखना। मेरा फ़ायदा इस चीज़ में, करो हैक मेरा अकाउंट, ठीक है, करो मेरा चैनल हैक, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ उन कुत्ती के बच्चों को जिन्होंने ये हरकत की है आज मेरे चैनल के साथ। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, सिर्फ 2 दिन के अंदर आपने 6000 वाला मेरा चैनल हैक करना है, मैं 2 दिन के अंदर आपको 10000 सब्सक्राइबर दूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरा आप सभी से यह वादा है, आप हरकत तो करो, लेकिन मेरा इससे पहले ये ईमान है, मेरी दुआओं के सदके जो मेरे साथ दुआएं हैं, मेरी माँ बाप की, मेरे बहन भाइयों की, तुम कुत्ती के बच्चों मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मेरी बात को याद रखना। और ऐसे ही तुम लोगों को गालियाँ दूंगा मैं इसी चैनल पे बैठ के दूंगा, मारो रिपोर्टें, करो वीडियो को डिसलाइक, देख लेते हैं किसकी दुआएँ काम ज़्यादा आती हैं या आप लोगों की बगैरती ज़्यादा काम आती है, ठीक है, चेक कर लेने। और वीडियो को इससे आगे जो है दोस्तों,
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मुझे मतदद कमेंट्स आ रहे थे जिसमें आज तक मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मतदद कसीर तदाद ऐसी है जिनको आज तक ये नहीं पता कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है ऐसी है जिनको SECP ने लाइसेंस दिया है, कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जिसको SECP ने लाइसेंस नहीं दिया। आज सुबह की बात है, एक भाई ने आके कमेंट किया, खैर मैं उनको दिल से सल्यूट पेश करता हूँ, उन्होंने कमेंट तो बैड ही किया, लेकिन जब मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर लिया वो भाई ये कहते जी मंजर भाई आप झूठ बोलते हो, SECP से कोई भी एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं है। जबकि वो करते क्या थे मैं आपको वजाहत के साथ थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। वो मेरे प्यारे भाई, मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने किया क्या, उन्होंने जाके SECP की वेबसाइट पर जाके लाइव चैट में उन्होंने इनकी कंपनी का नाम नहीं लिखा। कि जैसे बरवक्त की जो कंपनी है वो सीड क्रीड फाइनेंशियल है, ठीक है, हमने SECP से वेरिफिकेशन करनी है सीड क्रीड की, बरवक्त की नहीं करनी। वो भाई के सर्च करते थे बरवक्त ज़रूरत कैश इजी लोन PK लोन, आगे से रिप्लाई आ जाता था जी ये साढ़े को रजिस्टर नहीं है एप्लीकेशन। भाई ने उन्हीं की मदद में मेरे कमेंट सेक्शन में आके काफ़ी खैर लंबी चौड़ी बातें की, मैंने भी हौसले का मुजाहरा किया, उनका नंबर लिया, लेके उनको दोबारा मैंने हर चीज़ क्लियर की कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। उसके बाद फिर मैं अगेन इधर लगा देता हूँ उनका, जो उन्होंने जब उनको हर चीज़ में क्लियर कर दी उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके उन्होंने माजरत भी की, उन्होंने ये भी बात की मैं मंजर भाई का फ़ैन हो गया हूँ, दिल से शुक्रिया भाई आपका, आपने मुझे समझा और जो रियलिटी थी मैंने आपके सामने रखी आपने एक्सेप्ट की। तो आज मेरी कोशिश है कि उनकी तरह बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि कौन कौन सी एप्लीकेशन SECP से लाइसेंस शुद है और SECP से नॉन लाइसेंस शुदा एप्लीकेशंस कौन सी हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो SECP से लाइसेंस शुदा एप्लीकेशंस हैं उनके नाम बता दूंगा विद कंपनीज, किस कंपनी ने उनको रजिस्टर करवाया है, और जो कंपनीज मैं आपको एप्लीकेशंस बता दूंगा उसके हट के अलावा जितनी भी प्ले स्टोर के अंदर डिजिटल लैंडिंग का काम कर रही हैं आप सभी समझ जाइएगा वो सभी टोटली नॉन लाइसेंस एप्लीकेशंस हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर टोटल 9 कंपनी रजिस्टर हैं SECP के अंदर जो डिजिटल लैंडिंग का काम कर रही हैं, और उन्होंने 12 ऐप्स कंपनीज 9 है रजिस्टर, एप्लीकेशन उन्होंने 12 लॉन्च की हुई हैं जो डिजिटल लैंडिंग डिजिटल लोन कर्जा फराहम कर रही हैं। अभी जी आ जाते हैं इनकी सरफरिस्त, जो जिन जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं। सबसे पहला नेम है जी कशीफ फाइनेंशियल, जिनका मुआविन के नाम से उनकी एप्लीकेशन है, कशीफ फाइनेंशियल उनकी कंपनी का नाम है, मुआविन उनकी जो है जी एप्लीकेशन का नाम है जिससे वो कर्जा डिजिटल लोन देते हैं। उसके बाद है जी क्रेडिट फिक्स फाइनेंशियल, ठीक है जी, इनकी जो कंपनी का नाम है और इनकी जो एप्लीकेशन है उसका नाम है जी क्रेडिट पर, और इसके बाद है जी खरीद लो, ये 2 एप्लीकेशन इनकी हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी किस्त पे, बाय नाउ पे लेटर, ठीक है जी, किस्त पे वाले जो हैं इनकी भी 2 एप्लीकेशंस हैं जिनमें पहली एप्लीकेशन किस्त पे है, दूसरी एप्लीकेशन क्रेडिट कैट है। उसके बाद आ जाती है जी सीड क्रीड फाइनेंशियल, ठीक है जी, इनकी है जी आप सभी को पता है ये तो टॉप नंबर पे जा रहे हैं बगैरत, ठीक है जी, सूदी निज़ाम में बरवक्त वाले। उसके बाद आ जाती है जी सरमाया माइक्रो फाइनेंस ईजी लोन PK लोन, इनकी भी 2 एप्लीकेशन हैं। उसके बाद आ जाती है जी फिंजा लैंडिंग सर्विसेज, इनकी भी 2 एप्लीकेशन हैं जिनमें पहली फिंजा है, दूसरी दी बल्क ऑफ ग्रोसर है, ठीक है जी। उसके बाद है जी तेज़ फाइनेंशियल, ये एप्लीकेशन SECP से रजिस्टर ज़रूर है लेकिन ये प्ले स्टोर से स्टिल तकरीबन 6 मंथ से गायब है, ठीक है जी, इसका नाम तेज़ ऐप है। उसके बाद है जी अभी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, इनकी कंपनी का नाम है, ऐप इनकी का नाम है अभी ऐप। उसके बाद है जी माइक्रो क्रीड फाइनेंशियल, ठीक है जी, जिनकी उधार पैसा एप्लीकेशन है, ठीक है जी। ये जो एप्लीकेशंस है इनको आप अपने पास बेशक लिख लें, बेशक आप इनको अपने पास कहीं पे भी काउंटिंग कर लें। अगर आप लोगों ने मेरी आप सभी से अगेन हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है यार, खुदा के लिए आपसे अपील है कि कोई भी मेरा बहन भाई इन कुत्तों के बच्चों से लोन नहीं ले, बेशक वो लाइसेंस शुदा एप्लीकेशन है गैर लाइसेंस शुदा एप्लीकेशन है, अल्लाह ना करे खुदा ना ख्वास्ता, अगर आपने पंगा लेना ही लेना है, नहीं बाज आना आपने, तो फिर आप कोशिश किया करें। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इन बगैरतों से लोन लें, लेकिन मैं आपको आपकी इज्जत के लिए गाइड कर रहा हूँ, आपकी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ।
ये जो एप्लीकेशन है इनकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी को भी लोन दे के उनकी पिक्चर्स को एडिट कर लें या उनको हद से ज़्यादा ब्लैकमेलिंग कर लें, जैसी इंडियन एप्लीकेशन कर रही हैं जिनमें लैंड होम लोन क्लब, उन बगैरत कुत्ती माँ के बच्चों को तो नाम ही अजीब अजीब है, ठीक है, समय से बालातर है, क्रेडिट कैश तो आसान कर्जा पता नहीं क्या क्या उनके नाम है, उनसे कई गुना ये बेहतर है। ठीक है जी, आपको बताने का मेन मकसद मेरा ये है कि इनकी जरूरत नहीं है ये किसी की पिक्चर को एडिट कर जाए या किसी को उस लेवल पे हरास कर जाए जिस तरीके से वो बगैरत के बच्चे करते हैं। इसके बाद दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन है जी, मैं क्वेश्चन का भी इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। फैसल पिछाऊ 517 भाई की जी मेल आई डी है, भाई पूछ रहे जी एस सी सी पी में सिर्फ क्रेडिट कैट ही रजिस्टर है, बाकी और कोई भी ऐप रजिस्टर नहीं है, काइंडली एस सी सी पी की वेबसाइट चेक करें। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया है, ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें बताई है, यकीन जाने जब मैंने इतने कमेंट्स पढ़े हैं ना, पढ़ने के बाद मुझे इस चीज़ का पता चला है कि आज तक हमारे बहन भाइयों को यही नहीं पता, इतने मासूम मेरे बहन भाई हैं पाकिस्तानी, यकीन जाने खुदा की कसम ये दिल से बात कर रहा हूँ, तंज नहीं कर रहा, दिल से बात कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी इतने मासूम हैं आज तक उनको यही नहीं पता कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी एस सी सी पी से रजिस्टर है। मैं वीडियो के स्टार्ट में भी इधर भी मैं एस सी सी पी के जितनी भी डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस को लाइसेंस दिया हुआ है, जो फेसबुक के ऊपर अपनी ट्विटर के ऊपर एस सी सी पी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जो अपनी अनाउंसमेंट इशू की है, शो की है कि इन इन एप्लीकेशंस को हमने डिजिटल लाइसेंस दे दी है लैंडिंग के, ठीक है जी, वो मैं इंशाल्लाह ताला उनकी जो ऑफिशियल पेज है उसके स्क्रीनशॉट लेके वो वीडियो को स्टार्ट में भी लगा दूंगा, इधर भी लगा दूंगा, काइंडली आप इस चीज़ की तसल्ली कंफर्मेशन करिएगा। इसके बाद आप सभी से गुजारिश है अगर मेरी बातों में एक ज़रा सा भी फ़र्क निकले, ठीक है, आपकी जूतियाँ मेरा सहारा है, ठीक है, मैं कभी भी आपसे नहीं भागूंगा, लेकिन खुदा के लिए आपसे हाथ जोड़ के अपील है, जो झूठी आके बातें करते हैं कमेंट सेक्शन में बिना वेरिफिकेशन के, ना ताओ देखते हैं ना बाओ देखते हैं, आके कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं मेरे बहन भाई, उनसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है यार प्लीज़ एक दफ़ा वेरिफिकेशन कर लिया करें, दिल आजारी ना किया करें, आपकी वजह से यकीन जाने बहुत ज़्यादा दिल आजारी होती है, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए करते हैं, जब आप ऐसे कमेंट्स करते हैं आपके लिए हमने इन माफिया से मत्था लगाया, ठीक है, इन कुत्ते के बच्चों के साथ, ठीक है, हमने सारे अपने मामलात को साइड पे करके आपको आगे रखा हुआ है, आपको तरजीह दे रहे हैं हर चीज़ में, आप सभी का भलाई बेहतर से बेहतर आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप ऐसे कमेंट्स करते हैं तो यकीन जाने हमारे दुश्मन हम पे खुश होते हैं, ठीक है जी, के यूट्यूबर ले लैन मज़ा जिन्हों के हक में बोलते हैं वो इन्हों गंदा कर दे, तो लिहाजा आप सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है जी, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, बेहतर कमेंट्स किया करें, बैड कमेंट्स से दूरी इख्तियार किया करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज का कंटेंट, मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है जी प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे हक के अंदर दुआ करिएगा, अल्लाह पाक मुझे इन माफियाज़ को शिकस्त देने में कामयाबी दें और अल्लाह पाक मुझे और मेरे इस यूट्यूब चैनल को हमेशा कामयाबी तंदरुस्ती अदा फरमाएँ, ताकि हम इन बगैरत के बच्चों से बच सकें, इनके किसी भी शिकंजे में हम भी ना आ सकें। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगाह।